बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यार बहुत सा सुना है व्लॉगिंग के बारे में, बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैंने कभी व्लॉगिंग की नहीं है, ना मुझे आती है। सोचा है ट्राई करता हूँ। और दूसरा, पाकिस्तान में एक ट्रेंडिंग प्रोग्राम चलते हैं एक दिन फलां के साथ, सुहेल भड़ाई साहब मोस्टली सेलिब्रिटीज़ के साथ एक दिन गुजार रहे हैं। इसी तरह इसी ट्रेंड पर और काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं डिफरेंट चैनल्स पर, लेकिन मुझे किसी ने अभी तक अप्रोच नहीं किया। सो आई डिसाइडेड के सबसे पहले अपने साथ एक दिन खुद ही गुजारा जाए। सो लेट्स सी क्या होता है आज। इसमें हॉस्टल लाइफ भी होगी और इसमें जॉब भी होगी और इसमें यूनिवर्सिटी का टच भी होगा, सारा कुछ होगा। कैसे क्या चलता है, लेट्स सी। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिन तो काफ़ी हद तक धूप निकल आई है बाहर। आज जुमे का दिन है तो इस वजह से जो है वो अभी कुछ ज़्यादा इधर रश वगैरह तो नहीं है। कपड़े प्रेस करने का टाइम है, तो कपड़े प्रेस करने के बाद बाकी बातें करेंगे। के लिए, लेकिन अभी टाइम है ऑफिस में, तो मैं उसी टाइम में आपको फ्लैट दिखाता हूँ। तो एंट्रेंस ये है मेरे फ्लैट की, सबसे बड़ी सिक्योरिटी लास्ट डोर यही है, लॉक। ये है वर्किंग रूम, आई मीन वीडियोस वगैरह यूट्यूब की जो भी करना है इसमें, स्टडी वगैरह का सीन इसमें है। और अगर कोई रात को ठंडी हवा का झोंका लेना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। उसके अलावा ये है मेरा स्लीपिंग रूम, और उसको क्या कह सकते हैं, और सिंगिंग रूम और गपशप का सीन और मॉर्निंग व्यू का व्यू तो कुछ अच्छा नहीं है। फ्लैट लेने का मकसद ये था कि हर तरफ एक ही बात सुनने को मिल रही थी आजकल, प्राइवेसी। जो हमारी न्यू यूथ है ना, यंगस्टर्स, उनको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो प्राइवेसी। कोई ला आ रहा है उनकी प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए, उनका कोई स्ट्राइक आ रहा है उनकी प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए। तो मैंने सोचा कि देखते हैं क्या होती है प्राइवेसी, मुझे तो कहना भी नहीं आता, सॉरी। तो मैंने सोचा कि क्या होती है प्राइवेसी, तो प्राइवेसी देखने के लिए मैंने कहा कि कुछ टाइम अकेले स्पेंड किया जाए, तो उसके लिए मैंने ये फ्लैट लिया फिर। और प्राइवेसी का तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक सुकून भी है। अकेले रहने का जो है ना एक मज़ा तो है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि सम टाइम बंदा बोरिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर उस वक्त ये दीवारें अच्छी नहीं लगती। लेकिन सम टाइम जो है स्पेशली लेट नाइट आराम से फुल ऑन, जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी, मतलब म्यूज़िक लगाएं जो मर्ज़ी करें, कोई किसी को ये नहीं कह रहा कि यार लाइट बंद कर दो, म्यूज़िक बंद कर दो, ये कर दो, बूफर्स ऑफ कर दो, सो जाओ, ये ना करो वो ना करो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। ये चीज़ है समवट ठीक है, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं है, चलती है बस। रेडी टू लीव, तो सबसे पहले तो मास्क लगा लें, क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो इसकी कीमत आप ही भरेंगे, ये तो शायरी हो गई है। खैर आज मुझे बैग भी दो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि बेग साहब जो हैं वो कल से अपना बैग इधर ही छोड़ गए हुए हैं। तो इन मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ को तोड़ते हुए
हम निकलेंगे इधर से। मार्केट खाली है और इनसे मिलिए, ये है हमारी अकलौती बाइक। फ्लैट बहुत ज़्यादा दूर है यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए जो है वो मुझे फिर बाइक भी रखना पड़ी है। चलें चलते हैं। मैं जा रहा हूँ बंगाली दूध शॉप की तरफ, बंगाली मिल्क शॉप सॉरी। यह फैसलाबाद की मशहूर मिल्क शॉप है जिसकी स्पेशली लस्सी बहुत मशहूर है। तो हम तो वैसे भी गांव के लोग हैं, बाहर आके सबसे ज़्यादा यही मिस करते हैं चीज़ें। ये है नाश्ता मेरा और ये चीज़ें जो भी आपको नज़र आ रही है थोड़ी देर में इनको मैं गायब करने वाला हूँ जी। तो नाश्ता हो चुका है और अब मैं निकल रहा हूँ सॉरी ऑफिस की तरफ। तो आए आप भी साथ ही चलें। मैं पहुँच चुका हूँ ऑफिस, लेकिन इधर गाड़ी आई है। सारी आप लोगों की डिमांड्स पड़ी हुई हैं जो आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की है, ऑर्डर्स लगाए हुए हैं जनाब आप लोगों ने, ये सब वो आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो बस थोड़ी ही देर में आप तक पहुंचने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम पहुंच चुके हैं ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं उमर रहमान साहब। जी उमर रहमान साहब, अभी भाई हम लोग निकलने लगे हैं मार्केट के लिए और टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं इस महीने के, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है अभी। ठीक है, और वो मेहनत कर भी रहे हैं आप देख सकते हैं। और हमारे साथ एक और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी मौजूद हैं, कौन है आप? इंट्रो तो तुझी करा रहे हो, इज्जत कर रहे हो। ये है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और बेग साहब जी, द ग्रेट बेग साहब, आदिल बेग साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे? काम करो जाके, ड्यूटी टाइम शुरू कर दो तो। अच्छा, ये हमसे जो है बहुत उठाए हुए हैं, लेकिन हम दोनों शरीफ लोग फिर भी जो है हमारा काम तो मेहनत है भाई, हमने मेहनत कर दी इधर बैठ के करें या मार्केट में जाके करें। तो मिलते हैं आपसे फिर मार्केट। जो भी आप लोगों ने पिछले 2 से 3 दिन के अंदर ऑर्डर्स वगैरह ऑनलाइन किए हैं, डिमांड्स किए हैं, वो बस अब लास्ट हैंड तक पहुँच गए हैं पूरे पाकिस्तान से आपके पास। अब चंद ही मिनटों की दूरी पर हैं ये जो लोग हैं, इनके अलावा आपके पार्सल को आप ख़ुद ही अब हाथ लगाएंगे। तो अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं तो आपका पार्सल जस्ट आपसे कुछ ही मिनटों की दूरी पे है। और जब आप कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं तो वो कितने हाथों से होके गुज़रती है और किस तरह ये शहज़ादे आप तक इस चीज़ को पहुंचाते हैं। तो वक्त है ऑफिस से निकलने का, मार्केटिंग का, तो अब मार्केटिंग करेंगे भाई। धूप में बहुत गर्मी है यार, लेकिन मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी।